फाइटर जेट की रफ्तार वाला ड्रोन मिला भारत को। एलएसी की निगरानी में S-400 नहीं बल्कि भारत ने तैनात किए खतरनाक ड्रोन। इस खतरनाक ड्रोन से चीन पाक के रडार भी होंगे फेल। दोस्तों, मौजूदा वक्त में चीन भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है और एलएसी पर भयंकर हालात बने हुए हैं। चीन ने अपनी सीमा की सुरक्षा के लिए S-400 को तैनात कर रखा है, तो वहीं अब भारत भी एलएसी पर 30 ड्रोन की तैनाती करने जा रहा है, जो जरूरत पड़ने पर चीन पर एक सेकेंड में 30 हमले करके चीन के S-400 को भी संभलने का मौका नहीं देंगे। इतना ही नहीं, ये ड्रोन लगातार 35 घंटों तक आसमान में बम बरसा सकता है। उधर आपको बता दें कि चीन जहां काफी लंबे समय से भारत के क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए युद्ध की तैयारी कर रहा है, तो वहीं पाकिस्तान भारत को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन भारत अपने जखीरे में खतरनाक हथियारों को शामिल करके चीन और पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर देता है। जखीरे को बढ़ाने की इस कड़ी में भारत के जंगी बेड़े में एक घातक मिसाइलों से लैस ड्रोन को शामिल किया जाने वाला है, जिसकी तैनाती चीन से लगी सीमा LSC पर की जाएगी। भारतीय सेना में इस ड्रोन के शामिल होने को बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि भारत जहां एक और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तैनाती करने वाला है, जो भारत को टारगेट करके छोड़ी गई किसी भी मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सकता है, तो वहीं दुश्मन पर पलटवार के लिए अब भारत के पास ये ड्रोन आने वाला है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि भारत के पास अग्नि-5 जैसी घातक मिसाइल है, तो इसे ड्रोन की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें कि इन मिसाइलों का उपयोग होने का मतलब है कि दुनिया को खत्म हो जाना, इसलिए चीन से किसी भी युद्ध में इन छोटे खतरनाक हथियारों की जरूरत ही पड़ने वाली है। तो आइए आपको इस खतरनाक हथियार के बारे में बताते हैं, जिसकी तैनाती से LSC पर सीमा की निगरानी करना बहुत ही आसान हो जाएगा और साथ ही चीन और पाकिस्तान से भारतीय सेना में घुसने वाले किसी भी लड़ाकू जहाज को आसानी से तबाह किया जा सकेगा। तो इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और साथ ही भारत की बढ़ती ताकत से खुश हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। MQ-1 प्रीडेटर बी और स्वार्म ड्रोन बनेंगे LSC सीमा के सुरक्षा कवच। भारत के इन हथियारों से चीन पाक के रडार भी होंगे फेल। दोस्तों, भारत की ओर से इस वक्त सबसे ज्यादा जोर सीमा की सुरक्षा के लिए। इस वक्त भारत में दो प्रकार के ड्रोन की सबसे ज्यादा चर्चा है, एक तो भारत का स्वदेशी ड्रोन स्वार्म ड्रोन और दूसरा अमेरिकन ड्रोन है। स्वार्म ड्रोन की बात करें तो ये दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर अंदर तक घुसकर तबाही मचाने में सक्षम होते हैं। इनमें बंदूक या बम लगे हो सकते हैं, जिससे फायर या विस्फोट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसके अलावा स्वार्म ड्रोन की मदद से मुश्किल हालात में सेना तक रसद और सैन्य साजो सामान को भी पहुंचाया जा सकता है। छोटे आकार के कारण हर ड्रोन थोड़ी थोड़ी मात्रा में सामान को एयरलिफ्ट कर निर्धारित स्थान पर ड्रॉप कर सकते हैं। आपको बता दें कि यह ड्रोन आत्मघाती हमला करने में माहिर माने जाते हैं, लेकिन भारत MQ-1 प्रीडेटर बी ड्रोन को LSC सीमा पर तैनात करने वाला है। इसके लिए अब भारत सरकार ने अमेरिका से MQ-1 प्रीडेटर बी ड्रोन की 30 यूनिट को खरीदने की मंजूरी दे दी है। इसकी कीमत 3 अरब अमेरिकी डॉलर यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए होगी। ये ड्रोन बहुत ही ताकतवर है और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी लगी है जो चीन के रडार को आसानी से चकमा देकर चीनी सीमा के अंदर घुसकर तबाही मचा सकता है। आगे इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बताएंगे, ऐसी ताकतों की खूबियों से रूबरू करवाएंगे जिससे आप इस ड्रोन के फैन हो जाएंगे। आपको बता दें कि दिसंबर महीने में भारत व अमेरिका के बीच होने वाले 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में पहले जनरल एटोमिक्स के प्रीडेटर बी ड्रोन को खरीदने का ऑर्डर दिया जाने वाला है। भारत सरकार इस सौदे से जुड़ी सभी औपचारिकताओं को 2021 में पूरा करना चाहती है, ताकि जल्द से जल्द इसे खरीदा जाए और इसका डिप्लॉयमेंट चीनी सीमा पर किया जाए, ताकि चीन की हर एक गुस्ताखी पर नजर रखी जा सके और साथ ही जरूरत पड़ने पर इसे मानव रहित ड्रोन से चीन पर अटैक भी किया जा सके। आपको बता दें कि अमेरिका से अभी 30 ड्रोन का सौदा किया जाने वाला है। इन 30 ड्रोन में से भारतीय थल सेना, वायुसेना और नौसेना को 10-10 ड्रोन देने की प्लानिंग बनाई जा रही है। भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख में चीन के साथ तनाव और जम्मू एयरबेस पर ड्रोन हमले के बाद प्रीडेटर बी ड्रोन की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रही है। आपको बता दें कि जून महीने में पाकिस्तान ने जम्मू वायुसेना स्टेशन पर हमले को अंजाम देने के लिए विस्फोटकों से लदे ड्रोन का इस्तेमाल किया था। भारत में महत्वपूर्ण सैन्य प्रतिष्ठानों पर हमला करने के लिए पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों की मानव रहित हवाई वाहनों के इस्तेमाल की ऐसी पहली घटना थी। 2019 में अमेरिका ने भारत को सशस्त्र ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी, यहाँ तक कि एकीकृत वायु और मिसाइल रक्षा प्रणालियों की भी पेशकश की थी।
क्यों है भारत को खतरनाक ड्रोन की जरूरत? दोस्तों, घातक मिसाइलों से लैस अमेरिका की ये ड्रोन लंबे समय तक हवा में निगरानी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जरूरत पड़ने पर इसमें लगी मिसाइलें दुश्मन के जहाजों या ठिकानों को निशाना बना सकती है। इस ड्रोन को प्रीडेटर सी, एवेंजर और RQ-1 के नाम से भी जाना जाता है। उधर चीन के विंग लॉन्ग ड्रोन 2 के हमला करने की ताकत को देखते हुए अब भारतीय नौसेना को ऐसे खतरनाक ड्रोन की जरूरत महसूस हो रही है। यह ड्रोन मिलने के बाद पाक और चीन के मुकाबले भारतीय सेना काफी मजबूत हो जाएगी। उधर चीन भी भारतीय सीमा के नजदीक लगातार ड्रोन की संख्या में इजाफा कर रहा है। यह मानव रहित विमान एक झटके में युद्ध की परिस्थिति को बदलने की ताकत रखते हैं, क्योंकि ये रडार को आसानी से चकमा दे सकते हैं और दुश्मन देश की सीमा के अंदर कई किलोमीटर घुसकर सब कुछ राख कर सकते हैं। इस ड्रोन की कई खासियतें हैं जो दुनिया के अन्य ड्रोन से अलग करती है। ये ड्रोन 204 किलोग्राम की मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है। 25,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ने के कारण दुश्मन इस ड्रोन को आसानी से पकड़ नहीं पाते। इस ड्रोन में 2 लेजर गाइडेड AGM-114 हेलफायर मिसाइलें लगाई जा सकती है। ये मिसाइलें टारगेट का पीछा करने के लिए अपने रास्ते में भी बदलाव करती रहती है। आपको बता दें कि इस ड्रोन को ऑपरेट करने के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, जिसमें से एक पायलट और दूसरा सेंसर ऑपरेटर है। उधर अमेरिका के पास ये 150 ड्रोन उपलब्ध है। हवा में 35 घंटे तक मंडराने में सक्षम है प्रीडेटर। 2 मिसाइलों से दुश्मन को कर सकता है बर्बाद। इस ड्रोन का निर्माण अमेरिकी कंपनी जनरल एटोमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम ने बनाया है। इस ड्रोन में 115 हॉर्स पावर की ताकत प्रदान करने वाला टर्बो फैन इंजन लगा हुआ है, जो इसे काफी ऊंचाई तक आसानी से उड़ाने में सक्षम है। इस ड्रोन में 8.22 मीटर लंबे और 2.1 मीटर ऊंचे पंखे लगे हुए हैं। इसकी चौड़ाई 16.8 मीटर है। 100 गैलन तेल की क्षमता होने के कारण यह ड्रोन काफी लंबे समय तक हवा में रह सकता है। इसे एक बार में लगभग 35 घंटे तक हवा में उड़ाया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह नया प्रीडेटर अपने बेस से उड़ान भरने के बाद 1800 मील करीब 2900 किलोमीटर उड़ भर सकता है। इसके मायने यह है कि अगर इसे मध्य भारत के किसी एयरबेस से ऑपरेट किया जाए तो वह जम्मू कश्मीर में चीन और पाकिस्तान की सीमा तक नजर रख सकता है। यह ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई पर 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। इसके अलावा यह ड्रोन 6,500 पाउंड का पेलोड लेकर उड़ सकता है। इसमें उपयोग किए गए प्रीडेटर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। प्रीडेटर सी अवेंजर में टर्बोफैन इंजन और स्टील्थ एयरक्राफ्ट के तमाम फीचर है। यह अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने से जाना जाता है। उधर आपको बता दें कि अभी फिलहाल भारतीय सेना वर्तमान में अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए इजराइल से खरीदे गए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। आपको बता दें कि इजराइल से 1999 के कारगिल युद्ध से ही ड्रोन की सप्लाई शुरू कर दी गई थी, लेकिन अमेरिका के आने वाले ड्रोन को ज्यादा ताकतवर रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें।